रेंट का घर है? आप ये बता रहा हूँ मतलब देखना जरा ई कितना है। ई? हाँ, सुधा का घर है और यहाँ हम बचपन में बहुत आते थे। यहाँ पर हमारी स्क्रीन लगती थी, हम पिक्चरें देखा करते थे और यहीं पर रामलीला होती थी, स्टेज लगते थे, हम वो सामने वाली छत से देखते थे रामलीला। ई टू जो रामलीला में राम और रावण बनते थे ना, नहीं रावण बनता था, उसे अशोक का घर सामने। ये अशोक का घर है, ये उसके फ्रेंड का घर था, ये भी अशोक का ही घर था ये वाला। हम इन घरों में भी आते जाते थे। ये गली सीधी G5 को जाएगी। हम अभी E2 से आए हैं और जहाँ हम सबसे पहले रहते थे वहाँ लेकर जा रही हूँ, जहाँ पर काले वगैरह सारे रहते थे। तेरी नानी यहाँ पर बहुत आते थे, तेरी मेरी नानी की फ्रेंड का घर था। ये पानी की टंकी जहाँ से पूरी कॉलोनी में पानी सप्लाई होता था और ये हमारे F8 से दिखाई देती थी शिल्पी। ये वाला हाँ ये चेंज हो गया ना, बाहर कवर करवा दिया ना किसी ने। हाँ जी पाँच जी तो है, ये था, पर ये सारा चेंज हो गया अब तो। ये वही दुकानें हैं शिल्पी जहाँ पर एक सरदार जी की दुकान होती थी और वो बोलते थे अपनी जनानी, हम कहते थे तेरी जनानी नहीं सोनी है तो कान जनानी ने अपनी दुकान पर बिठांदा, ओ आंटी जी इसीलिए तो बिठांदा ताकि नू देख देख के गा कान। और यहीं से आगे रास्ता होता था, कट जाता था आगे, अब तो पक्के बन के आगे बलजीत नगर को निकल जाता था, प्रेम नगर को जाता था। ये सबसे पहला मकान टीटल टैनी का था, फिर उससे ऊपर सरदार जी का मकान था, इसका 3 वाले का याद नहीं रहा, चौथे में चोपड़ा रहते थे, अंजलि चोपड़ा वगैरह, फिर 5th में सरदार फैमिली रहती थी, 6th में भल्ला सब रहते थे, नीचे हमारे 7 में गुप्ता जी रहते थे, 8 में हमारा था, 9 में भी गुप्ता जी थे, 10 में डॉक्टर फैमिली रहती थी, 11 में हाची पिच्चू रहते थे या कश्मीरी ये रहते थे। ये G20 हैप्पी का घर है और ये नीचे काले का घर है G21 और G24।
2023 में मेरा मैं बॉर्न हुई थी, वो सामने वाला मकान है, यहाँ रहते थे हम सबसे पहले, यहाँ मैं बॉर्न हुई थी, मेरा बर्थ प्लेस। यहाँ मेरी मम्मी पैदा हुई थी। पुलिया बनी होती थी जब हमारे पापा जॉब से शाम को 5 बजे वापस आते थे, हम यहाँ से देखते थे ऊपर से खिड़की से आ गए। फिर मैं अपनी आज कॉलोनी पूरी घूम ली। ओह थैंक गॉड।